7 बजने को है देश के सबसे विश्वसनीय सबसे लोकप्रिय और नंबर वन शो शंकरा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त वाराणसी के नमो घाट पर मेरी मौजूदगी है। आज कोर्ट के भीतर क्या क्या हुआ, सर्वे रिपोर्ट जो अब सामने आ चुकी है उसको लेकर क्या बड़ी बातें कही गई है, हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग बता रहा था उसको लेकर आपको बता दें कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में क्या क्या लिखा गया है, विस्तार से इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठा दिए हैं, रिपोर्ट लीक होने को लेकर AIMIM के मुखिया की ओर से सवाल उठाए गए हैं। सर्वे रिपोर्ट लीक होने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवाल पूछते हुए ये कहा है, यूपी सरकार लीक हुई रिपोर्ट की जांच करे। भड़के ओवैसी ने कहा है, यूपी सरकार लीक हुई रिपोर्ट की जांच करे। जन भावनाओं का यहां पर खिलवाड़ हो रहा है, प्रधानमंत्री को सामने आकर बोलना चाहिए। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच करे यूपी सरकार, कि रिपोर्ट आखिर कोर्ट के भीतर गई तो वो लीक कैसे हो गई। उन्होंने कहा है जन भावनाओं का जमकर मखौल उड़ाया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, प्रधानमंत्री को सामने आकर बोलना चाहिए। क्या कुछ कहा है ओवैसी ने, सुनिए। इसको कोर्ट को रिपोर्ट पेश नहीं होती, नंबर वन। जिस सर्वे की मुखालिफत इंतजामिया कमेटी ने की, जिस कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की मुखालिफत इंतजामिया कमेटी ने की, तो इंतजामिया कमेटी की मुखालिफत करना सही साबित हुआ नहीं हुआ? जिसको पिटिशनर ने कहा कि इसको बना दो, जिसको इंतजामिया कमेटी कहा कि इसको मत बनाइए, सर्वे मत कराइए, उसी ने रिपोर्ट लीक कर दी और पूरे टीवी चैनल पर उस रिपोर्ट को दिखाया जा रहा है और कल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फैसला सुनाने वाला है। तो क्या मजाक हो रहा है, कोई बताइए आप, कैसे बगैर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को रिपोर्ट दिए मीडिया के पास रिपोर्ट कैसे चले गई? इंतजामिया कमेटी के पास रिपोर्ट नहीं है, कैसे रिपोर्ट चलेगी? आखिर आप बताना क्या चाह रहे हैं, रिपोर्ट लीक कैसे हुई, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी यहां पर सवाल पूछते हुए। लेकिन दर्शकों को बता दें आज तक के पास वो रिपोर्ट एक्सक्लूसिव मौजूद है और हमने ही सबसे पहले देश के सामने कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट रखी थी, जिसमें विस्तार से जिक्र किया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सनातन हिंदू परंपराओं से मेल खाती हैं और उसको जोड़ने की कोशिश करती हैं। हिंदू धर्म को और हिंदू आस्था को मानने वाले जो हिंदू पक्षकार थे उनकी ओर से शिवलिंग होने का जो प्रमाण बार बार एक वीडियो के जरिए सामने रखा जा रहा था, आखिर उसको बताते हुए विशाल सिंह की यह रिपोर्ट जो आज कोर्ट के भीतर दाखिल की गई है उसमें कैसे विस्तार से उसके बारे में वर्णन किया गया है, इस रिपोर्ट की जो बड़ी बातें हैं वो जानने की कोशिश कीजिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। आज तक के पास है कोर्ट कमिश्नर के सर्वे की रिपोर्ट। यहाँ पर पॉइंट्स लिखे गए हैं, कुल 8 पॉइंट्स हैं। वो रिपोर्ट जिसमें सर्वे का पूरा सच है। वकीलों से भी बातचीत करूंगा पर शुरुआत में यहाँ से करूंगा जो प्रमुख यहाँ पर पॉइंट्स में देख पा रहा हूँ। वो रिपोर्ट जो अदालत में सील बंद होकर जमा है। वो रिपोर्ट जिसमें शिवलिंग के बारे में लिखा गया है। आज तक के पास आज जो दूसरी कमीशन रिपोर्ट दाखिल की गई है उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी है, इसमें शिवलिंग का जिक्र साफ तौर से मिलता है जिसका दावा बार बार हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक देख रहे हैं आप, भले ही आपको यकीन न हो मगर सच्चाई यही है कि आज तक आपको दिखा रहा है कोर्ट कमिश्नर के सर्वे की पूरी रिपोर्ट। अंदर से दूसरे खंभे पर त्रिशूल के चिन्ह हैं, यानी कि इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है भगवान शिव के त्रिशूल का, जिसकी बात हिंदू पक्ष द्वारा लगातार की जा रही थी। इसके आगे नंबर 2 पॉइंट जो है वो है दक्षिण पश्चिम के कोने में पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक का निशान खुदा हुआ मिला है और कमल में तीनों फूल भी मिले जिस पर नकासी और उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह मौजूद है। नंबर 3 पॉइंट में आप देख सकते हैं और आगे भी काफी संख्या में कमल के फूल की कला आकृति पत्थरों पर खुदी हुई है और कमल की पंखुड़ी पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। इस रिपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि हिंदू पक्ष जो बार बार लगातार कह रहा था वही इस रिपोर्ट में लिखा है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि ये जो आकृति मिली है और जिसे हिंदू पक्ष लगातार शिवलिंग कहता रहा है और मुस्लिम पक्ष जिसे फव्वारा बताता रहा है, इसकी पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में लिखी है। रिपोर्ट में लिखा गया है,
नंदी से कुंड तक 83 फीट 3 इंच की दूरी है। कुंड के बीच में गोलाकार कुएं के जैसी जगह में पत्थर कायम है। कुंड के बीचों बीच में शिवलिंग है। काली गोलाकार पत्थर नुमा चीज मिली है जिसकी ऊंचाई 2.5 फीट थी। इसके टॉप पर एक कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का सफेद पत्थर मिला है। ऐसा लगता है जैसे सफेद पत्थर को अलग से सीमेंट से जोड़ा गया हो। सफेद पत्थर पर 5 दिशाओं से कट के निशान है। इसके बीचों बीच में 1/2 इंच का करीब छेद है। इस छेद में सीख डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। गोलाकार आकृति का व्यास करीब 4 फीट पाया गया। वादी से शिवलिंग कहने लगे। प्रतिवादी ने कहा कि ये फव्वारा है। फव्वारा तक पाइप ले जाने वाला कहीं कोई निशान नहीं मिला है। कुशल ड्राफ्टमैन वीडीए द्वारा नंदी से कुंड तक नाप की गई, जिसकी दूरी 83 फीट 3 इंच पाई गई। तब वादी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पानी के कुंड के बीचों बीच में गोलाकार कुएं की जगह जैसी जगह के बीच में पत्थर कायम है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। गोलाकार कुएं की जगह जैसी जगह के बीच में पत्थर कायम है और उनके द्वारा कमीशन कार्रवाई हेतु ध्यान आकृष्ट कराया गया कि इसके बीचों बीच में भगवान का शिवलिंग है। इसमें इस बात का जिक्र होता है जैसी जगह में बीच में पत्थर कायम है उनके द्वारा कमीशन कार्रवाई हेतु ध्यान आकृष्ट कराया गया कि इसको बीचों बीच में भगवान शिव का शिवलिंग है। यानी ये बात तो साफ हो गई कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में इस आकृति को शिवलिंग ही माना गया है। अब ये रिपोर्ट कोर्ट के पास है। कोर्ट इस रिपोर्ट के आधार पर ज्ञानवापी के मसले को सुलझाने का प्रयास कर सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि स्पेशल कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट ने हिंदू पक्ष के चेहरे पर खुशियां ला दी है। चित्रा त्रिपाठी के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट में बहुत सारी बातें साफ साफ लिखी हुई हैं, जो कि हिंदू पक्ष को खुश करने वाली हैं। आपको बता दें, एक एक शब्द को अगर गौर से आप पढ़ेंगे तो यकीनन उसमें बहुत सारी बातें ऐसे दिखाई देती हैं जो हिंदू पक्ष लगातार दावे कर रहा था। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह के साथ ही साथ उनके और साथियों ने, जो सर्वे करने वाली टीम है, उसने अपनी आंखों से क्या देखा वो सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाले हैं और यकीनन ये जानकारियां आपको हैरान कर देंगी। विवाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अलग अलग हिस्सों के दावों को लेकर है। विवाद डिजाइन को लेकर है, विवाद शैली को लेकर है, जिसे लेकर घमासान जारी है। इस विवाद का एक बड़ा हिस्सा तहखाना था, वो तहखाना जिसे खुलवाने के लिए कोर्ट ने ताले तोड़ने तक के आदेश दे दिए। तहखाने के दरवाजे खुले और फिर वीडियोग्राफी शुरू हो गई। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक तहखाने की दीवार पर पान के पत्तों की कलाकृति थी, वहीं खंभों पर कमल, घंटी, कलश और फूल की आकृति नजर आई। खंभे पर हिंदी भाषा में 7 लाइनों पर, जिसमें शब्द भी हैं जो खुदा हुआ है। इसके बाद अंदर की दीवार पर पूरा पक्षण कोने के ऊपर काफी पानी रिस रहा है और दीवार के ऊपर नीचे तक भीगी हुई एवं नीचे की जमीन खीली है। नंबर 6 पॉइंट में तहखाने में एक तरफ 4 दरवाजे के स्थान को नई ईंटों से बंद किया गया है। तहखाने में कुछ हिंदी भाषा में भी लिखा हुआ मिला, हालांकि काफी वक्त पुरानी होने की वजह से भाषा समझ में नहीं आ रही थी। 3 तहखानों के सर्वे के बाद 4th तहखाने का ताला खुलवाया गया। इस तहखाने में नई नई पुताई हुई थी। सर्वे टीम आगे बढ़ी। पश्चिम दीवार का हिस्सा जिसे लेकर दावे किए जा रहे थे, उसकी भी वीडियोग्राफी हुई। पश्चिम दीवार पर सर्वे की टीम को हाथी के सूंड के निशान दिखाई दिए। इसके अलावा त्रिशूल और पान की कलाकृति भी देखने को मिली। इस दीवार के पास एक और निशान देखने को मिला, जिसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह चबूतरा है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसे कब्र बता रहा है। दोनों तरफ के पत्थर के खंभों पर घंटी के आकार की कलाकृति और कलश फूल की आकृति खंभे के चारों तरफ मौजूद में है। फिर आखिरी पॉइंट, इसी तहखाने में घुसते ही छत के दूसरे पत्थर पर स्वास्तिक का चिन्ह है, डमरू का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह और शिव के त्रिशूल का चिन्ह है। कई सवाल मस्जिद के गुंबद को लेकर भी थे। सर्वे की रिपोर्ट में मस्जिद के गुंबद की जो माप ली गई है, उससे पता चलता है कि मस्जिद त्रिशंकु आकार की है। वहीं गुंबद में भी कमल के फूल की पत्ती की कलाकृति देखने को मिली है।
देवी गुम्बद के नीचे एक अन्य शंकुकार शिखर नुमा स्ट्रक्चर कायम है, जिससे कि ऊपर की ओर उसके बाद मस्जिद के बाहर का दिखने वाला गुम्बद बनाया गया। यानी कि जो गुम्बद दिखाने की कोशिश इसमें करी गई है वो ये है कि पहले ऊपर की तरफ जो है वो मस्जिद का गुम्बद और नीचे की तरफ मस्जिद मंदिर की आकृति में एक गुम्बद है। इसके बाद आप बाहरी गुम्बद के अंदर का व्यास 28 फुट है, जिसमें 3 फुट की गैलरी है। अंदर के शंकाकुर शिखर की ऊंचाई लगभग 2.5 फुट तथा नीचे का व्यास 22 फुट बताया गया है। इसके अलावा मीनार का भी सर्वे किया गया। मीनार में कुछ डिजाइन मिली है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मंत्र है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि चूने की पुताई पुरानी होने की वजह से इसमें दरार आ चुकी है। ऐसे में सर्वे में किसी भाषा विशेषज्ञ की मदद पड़ताल करने की बात कही गई है। ऐसे में इस सर्वे में ऐसी कई बातें सामने आ रही है जिसे लेकर एक लंबी बहस चलने वाली है। तहखाना उत्तर पश्चिम के कोने पर 15x15 फीट का था, जिसमें मलवा पड़ा हुआ था। पत्थर पर आकृतियां पाई गई जो मंदिर की तरह प्रतीत हो रही थी। आप गौर करेंगे इस पर, जो आकृतियां पत्थर पर पाई गई हैं वो मंदिर की तरह प्रतीत हो रही थी। और तहखाने के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। इसके अलावा आप यहां पर अगर आते हैं तो बीच में 6 इंच के नीचे कुएं जैसा आकार दिखाते हुए आकर्षक कराया गया है। और यहाँ पर कुंड बना हुआ है करीब 3 फीट गहरा और पानी से पूरी तरह भरा हुआ, जिसकी बातचीत हो रही थी, जो शिवलिंग का पार्ट है जिसको मैं दोहरा रहा हूँ। बहरहाल सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी गई है, जिसके आधार पर अब आगे की बहस और कार्रवाइयाँ शुरू होंगी। चित्रा त्रिपाठी के साथ समर श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक। विशाल सिंह की इस रिपोर्ट के सामने आने के पहले पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की भी रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें सनातन संस्कृति सभ्यता स्वास्थ्य के कई सबूत मिले हैं, जिसको लेकर मैंने खुद उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें, लेकिन उसके पहले समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समर्थ, सबसे पहले देश के सामने हमने वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सौंपी जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, जिसमें साफ साफ इस बात के सबूत मिलते हैं कि शिवलिंग वहां पर है, उसके ऊपर कुछ लगाकर उसको क्रॉस किया गया है और इसके साथ ही स्वास्तिक के निशान, कमल के फूल के निशान, शेषनाग के निशान, हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए निशान, विस्तार से इन तमाम बातों का जिक्र है। लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें अगर देश आपसे जानना चाहे, एक तो अभी भी जो मुस्लिम पक्ष है वो इन बातों पर भरोसा नहीं करना चाहता और उसका यही कहना है कि फव्वारा को दरअसल शिवलिंग बताकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जा रहा है। अब तो सर्वे की रिपोर्ट सामने आ गई, लेकिन मुस्लिम पक्ष का यह दावा क्या दर्शाता है? चित्र देखिए, जैसा कि आपने कहा कि आज तक वो पहला चैनल था जिसने विशाल सिंह स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट लोगों के सामने लाई, क्योंकि उस रिपोर्ट में जो चीजें हैं वो चौंकाने वाली हैं। हिंदू साइड स्टार्टिंग से क्लेम कर रही थी कि इसमें स्वास्तिक के निशान हैं, भगवान शिव के ड्रम जो होता है, जो उसके अलावा जो त्रिशूल है उसकी आकृतियां हैं, भगवान ब्रह्मा का जो कमल चिन्ह है, जो शेषनाग भगवान विष्णु का चिन्ह है, ये सारी आकृतियां उस मस्जिद की दीवारों पर पाई गई हैं। और ऐसा विशाल सिंह की रिपोर्ट में बकायदा लिखा हुआ है, उसमें मेंशन किया गया है कि जो स्विच बोर्ड है उसके नीचे भोलेनाथ की आकृति बनी हुई है, जो उनके त्रिशूल है उसकी आकृति बनी हुई है, डमरू की आकृति बनी हुई है और स्वास्तिक की आकृति बनी हुई है, उसमें शिवलिंग का भी जिक्र किया गया है। हालांकि शिवलिंग को लेकर बहुत क्लैरिटी से नहीं लिखा है, यह बताया गया है कि हिंदू पक्ष ने उस चीज को दिखते ही शिवलिंग बताया और मुस्लिम पक्ष ने उस चीज को दिखते ही एक तरह से फाउंटेन बताया। पर इसमें एक चीज क्लियर करी गई है कि शिवलिंग के ऊपर का जो हिस्सा है उसको ऐसा लगता है कि विखंडित किया गया है। इसके अलावा ऊपर एक अलग तरीके का व्हाइट कलर का मटीरियल लगाया गया है जो कि पूरे नीचे की सतह से अलग नजर आता है, वो भी हालांकि कुछ साल पुराना नजर आता है। तो ये साफ रिपोर्ट में कर दिया गया है कि शिवलिंग के ऊपर जो ब्रेक बने हुए हैं 4-5 उसके ऊपर, वो दिखाने का प्रयास किया गया है कि शायद उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश की गई है और अगर चेंज नहीं हो पाया है तो उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया और एक तरह से शावर, एक तरह से जो फाउंटेन है उसका स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। मुस्लिम पक्ष इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये फव्वारा है और पहले से ऐसा बना हुआ है। पर जब रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जब उनसे पूछा गया कितने साल पुराना है तो मुस्लिम पक्ष पहले कहता है 12 साल पुराना है, पर उसके बाद ब्रेक लेके फिर कहता है 20 साल पुराना है। और जब कहा जाता है क्या ये फवारा आप चलाकर दिखा सकते हैं तो वो कहता है कि नहीं, ये फवारा खराब है। और यही आपत्ति सोहनलाल आर्य की भी थी जो कि पहले पेटिशनर है, यही आपत्ति हिंदू पक्ष की भी रही है कि अगर फवारा है तो वो चलाकर क्यों नहीं दिखा सकते, और अगर मान लीजिए खराब ही है तो उसको सही करवाकर क्यों नहीं चलाया जा सकता। इसका जवाब अभी तक मुस्लिम पक्ष द्वारा फिलहाल नहीं आ पाया है। चित्र,
सरकारी दस्तावेजों में भी वाराणसी के इस बारे में जिक्र मिलता है कि औरंगजेब ने किस तरह से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित करने का काम किया, मंदिरों को तोड़ने का काम किया और उसी पक्ष को लेकर लगातार हिंदू पक्ष अपने मंदिरों को वापस लेने की मांग करता रहा है। और आज तो कोर्ट कमिश्नर की इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह का मिलना अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है, जिसका जवाब मुस्लिम पक्ष के पास फिलहाल नहीं है। लेकिन समर्थ इसी के साथ आगे आते हुए देखिए, कोर्ट के भीतर तो ये जो भावनाएं अभी वाराणसी और उसके आसपास के हिस्सों में देखी जा रही है या पूरे देश में, क्योंकि हिंदू आबादी ज्यादा है और लोग शिवलिंग को भगवान मानकर पूजा आराधना की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के भीतर तो आपको प्रमाण देने होंगे। उस प्रमाण के लिए बकायदा वीडियोग्राफी की गई है, उस प्रमाण के लिए बकायदा 1000 से ज्यादा फोटोग्राफी की गई है, जिसको भी आज विशाल सिंह की टीम ने सौंप दिया है कोर्ट को। वो तस्वीरें कब तक देश के सामने आ जाएंगी, जिसका इंतजार किया जा रहा है? और उन तस्वीरों के जरिए क्या ये माना जा सकता है कि अगर सबूत की ही बात है तो यहाँ पर हिंदू पक्ष को काफी ज्यादा मजबूती मिली है इस पूरे मामले पर? चित्रा, आप लगातार वाराणसी में हैं, आप भी चीजों को करीब से देख रही हैं, जितना हम समझ पाए हैं चीजों को, ये जो रिपोर्ट आई है, जो मेरी बात हिंदू वकीलों से हुई है, सुभाष नंदन से हुई है, उन्होंने साफ कहा है कि ये रिपोर्ट मिलने के बाद कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को बल जरूर मिला है, क्योंकि वो जिन बातों की बात कर रहे थे उनको अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, उन्होंने कहा स्वास्तिक की बात, एक उन्होंने कहा कि ओम के चिन्ह की बात, शेषनाग की बात, वो सारी बातें सही होती नजर आ रही है। इसके अलावा जो बात जो पांच महिलावादी हैं उनकी तरफ से कही गई कि एक दरवाजा है जो कि दीवार का बना है, उसको चुनवाया गया है, उसका भी जिक्र इस पूरे रिपोर्ट में किया गया है। तो जो हालांकि शिवलिंग को लेकर एग्जैक्टली स्थिति क्लियर एडवोकेट कमिश्नर ने नहीं करी है, शायद वो कोर्ट के ऊपर छोड़ी है या फर्दर सर्वे आगे जब होता है उसके ऊपर छोड़ी है, पर जो चीज, लेकिन जब इस बात का जिक्र होता है कि गोलानुमा कुछ चीज है वहां पर 2.5 फीट उसकी लंबाई है, लेकिन उसके ऊपर अलग से कुछ सीमेंटेड जोड़कर उसको क्रॉस करके अलग चीज दिखाने की कोशिश की गई है, उसको फवारा बताने की कोशिश की जा रही है, तो यकीनन हिंदू पक्ष यहां पर यह दावा करता है कि दरअसल वो शिवलिंग ही है। वाद विवाद लगातार चलता रहेगा। फिलहाल के समर्थ आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। विशाल सिंह ने आज अपनी रिपोर्ट दी है, इसके पहले अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट कल देर शाम ही कोर्ट को सौंप दी थी। अजय मिश्रा से जब मैंने बातचीत की तो उनकी ओर से किस तरह से ज्ञानवापी के भीतर मंदिर को लेकर सबूत देश के सामने रखने की गई कोशिश, कैसे उन्होंने कहा कि भीतर तो स्वास्तिक के चिन्ह हैं, भीतर शेषनाग के दर्शन हो जाएंगे, भीतर देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां रखी हुई हैं और भीतर नीचे से जब आप गुंबद को ऊपर देखेंगे तो आपको मंदिर के निशान साफ साफ दिखाई देंगे। इंतजार था इस पल का, सबको मतलब सबको, कि कब पेश हो ज्ञानवापी के सर्वे की रिपोर्ट और कब रिपोर्ट में लिखी हुई बातें सामने आ जाएं। तो कुछ सूत्रों के हवालों से, कुछ बयानों के दरीचों से छन कर सामने आया है कि कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या फरमाया है। तो सुनिए, कोर्ट कमिश्नर ने कोर्ट को बताया है कि ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं मिलॉर्ड, जो खुद गवाही देते हैं कि ज्ञानवापी का नाता तो सनातनियों से है। तो सबूत नंबर एक, शिवलिंग। ये वही शिवलिंग हो सकता है जिसको लेकर हंगामा बरपा है और जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है और मुस्लिम पक्ष जिसे फव्वारा बता रहा है। और एग्जैक्टली मैंने यही चीज देखी है, मैंने भी एग्जैक्टली यही चीज देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसको खंडित किया गया है, पर हाँ ये वीडियो जो है मैंने यही चीज देखी है और इस वजूखाने के पीछे से एक रास्ता जा रहा है इसके नीचे तक, तो अब उसको खुलवाने की मांग होगी कि उसको खोला जाए और देखा जाए कि शिवलिंग कितनी। कहा गया कि ये 12 फीट और कुछ बताया जा रहा है, कितना है आप लोगों क्या जानते? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि करीब 2.5 से 3 फुट ऊंचा होगा और इसका 4 फीट का डाया है, 4 फीट का डाया है और करीब 2.5 से 3 फुट ऊंचा होगा, तो अभी और नीचे कितना जा रहा है ये तो जब नीचे की दीवार खुलेगी तब पता चलेगा। पुरानी जितनी मस्जिदें हैं उसमें हौज होता है वजू करने के लिए, उसमें फव्वारे आज भी आपको बहुत सी मस्जिदों में नजर आएंगे, तो फव्वारा है और फव्वारे को शिवलिंग कह देना, ये कहाँ से, ये अकल में भी बात नहीं समाती है और हकीकत भी ऐसी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं आपके सामने ला सकता हूँ जिन्होंने फव्वारा चलते हुए देखा है और इस्तेमाली हालत में, अब ये इधर कुछ दिनों से
पाइप उसके ख़राब होने की वजह से वो निकल गया और इसे उसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई, तो ये फुवारा है। सबूत नंबर दो, खंडित मूर्तियां। सर्वे के मुताबिक मालूम चला है कि ज्ञानवापी के भीतर खंडित मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष साबित करते हैं कि कभी यहाँ मंदिर रहा होगा। सबूत नंबर तीन, देवताओं की कलाकृतियां। दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियों के मिलने की बात भी सर्वे में कही गई है। यही बात 4-6 रोज पहले वीडियोग्राफर विभाष दुबे ने भी बताई थी। कमल देखा और फूलों की लड़ियां देखी जो फूल ऐसे बने होते हैं, और ठीक सामने वाली दीवार पे अंदर की तरफ घंटा भी टंगा हुआ है जो जो तराश के बनाया गया है, जो पूरी तरह से तराश के बनाया गया हुआ है। उसकी चैन दिख रही है, पूरी चैन लटक रही है, फिर नीचे घंटा बना हुआ दिख रहा है, फिर उसके बगल कलाकृतियां बनी हुई हैं, जो ये महसूस होती हैं या जो लगती हैं कि हाँ हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई चीज। घंटा किस तरफ, श्रृंगार कौली स्थल की तरफ है या मस्जिद की तरफ? मस्जिद की दीवार पे, मतलब जहाँ पे पश्चिम वाली दीवार पे। सबूत नंबर चार, कमल की कलाकृति। सर्वे के मुताबिक ज्ञानवापी के भीतर की दीवारों पर कमल की कलाकृति मिली है। ये बात भी विभाष दुबे ने आज तक के कैमरे पर बताई थी। जो माला की लड़ियां बनी हुई थी तोरण द्वार के, ऐसा महसूस होता था जैसे तोरण द्वार पे जो चीजें कटिंग बनी होती है वो सारी चीजें वहां दिख रही थी। इवन यही नहीं, जो शिलापट वहां रखे गए थे उसके नीचे वाले भाग में भी कुछ चीजें ऐसी समझ में आई कि वहां पे भी कुछ बना हुआ है। शिलापट किसका, मस्जिद के एरिया में या श्रृंगार गौरी के? श्रृंगार गौरी वाले एरिया में। क्या दिखा आपको उसमें? जब नीचे झांक के देख रहे हैं तो वहां पे भी कमल बने दिख रहे हैं। सबूत नंबर पांच, शेषनाग की कलाकृति। सर्वे करने गए लोगों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ज्ञानवापी के भीतर शेषनाग की कलाकृति है। हालांकि शेषनाग भगवान विष्णु के साथ रहते हैं। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर ही विश्राम करते हैं और भगवान शंकर के गले में शेषनाग के छोटे भाई वासुकी लिपटे रहते हैं, मगर रिपोर्ट में शेषनाग ही कहा गया है। कृति पड़ी हुई थी जो कि शेषनाग का अवशेष टाइप की दिखाई दे रही थी, जो ऐसे फन टाइप के उससे 3-4 बने हुए थे जिसकी वीडियोग्राफी हुई है। यानी ये जो श्रृंगार गौरी है उसके पहले एक टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ था। हाँ हाँ। जो लग रहा था कि शेषनाग का अवशेष होगा, ये ऊपर का फन टाइप का टूटा हुआ है। जी ठीक है। सबूत नंबर 6, नागफनी की आकृति। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में कहा गया है कि दीवारों पर नागफनी की आकृति भी मिली है। आपको बता दें कि नागफनी के फूल से शिव की पूजा की जाती है, इसीलिए शिव मंदिरों में अक्सर नागफनी के पौधे लगाए जाते हैं और शिव मंदिरों की दीवारों पर नागफनी के दृश्य उकेरे जाते हैं। सबूत नंबर 7, मंदिर का मलबा। जानकारी के मुताबिक भीतर मंदिर का मलबा भी मिला हुआ है। सबूत नंबर 8, दीवार में ताखा। मंदिरों में अक्सर ताखा बनाए जाते हैं जिसमें पूजा की सामग्री रखी जाती है। इसे अरवा, आला, ताखा अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सबूत नंबर 9, दिए का सबूत। जानकारी के मुताबिक सर्वे की रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि भीतर दिए जलाए जाते थे, ऐसे सबूत मिले हैं। सबूत नंबर 10, दीवारों में सनातन संस्कृति के निशान। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे निशान मिले हैं जिनसे कहा जा सकता है कि इस जगह का सनातन संस्कृति से जुड़ाव रहा है। ये नक्शे के अनुसार दर्शाई गई हैं, वो वीडियो के स्किल्ड ड्राफ्टमैन थे, उनके द्वारा पूरे पूरे परिसर की ड्राफ्टिंग की गई है, नक्शा बनाया गया है, वो भी उसके साथ रिपोर्ट के साथ अटैच करके फाइल की गई। अब रिपोर्ट जज साहब के पास है। उम्मीद कीजिए कि कोर्ट इस रिपोर्ट के आधार पर जब फैसला देगी तो ज्ञानवापी का सच सामने आ सकेगा। वाराणसी से चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्या, समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। अजय मिश्रा, विशाल सिंह के इस रिपोर्ट से ये साफ होता है कि वहां पर हिंदू आस्था के तमाम प्रमाण जुड़े हुए हैं। इससे ये बात भी साबित होता है कि हिंदू पक्ष जो दलीलें दे रहा है उसकी दलीलों में दम है। वहीं दूसरी तरफ जब मुस्लिम पक्ष जिस शिवलिंग को फव्वारा बताता है, उस फव्वारे को चलाने की बात कही जाती है, तो वो इनकार कर देता है ये कहते हुए कि ये तो बहुत पुराना है। फिर कहा जाता है ये 12 साल पुराना है, फिर दलीलें आती हैं ये 20 साल पुराना है, और आखिरकार कोई भी उसको चला पाने में समर्थ नहीं हो पाता। अब ऐसे में आगे क्या होगा? हिंदू पक्ष
विपक्ष अपनी मजबूत दलीलों के साथ आगे क्या जो मंशा पाले हुए है उसमें मिलेगी कामयाबी या फिर लगातार मुस्लिम पक्ष के जो दावे किए जा रहे हैं उस पर कोर्ट के भीतर भी वो अपना दम दिखा पाएगा। इस खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। वाराणसी से ये बड़ी कवरेज जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आपको लेकर चलेंगे सिविल कोर्ट। जब इस पूरे मामले में हो रही थी सुनवाई तो पक्ष और विपक्ष के तमाम वकील हमारे साथ मौजूद थे। उनकी ओर से इस पूरे मसले में क्या कहा गया, कैसे अब ये पूरा मामला बढ़ेगा, आगे क्या होगा, इस पर पूरी लीगल जानकारी के साथ आपको दिखाएंगे हमारे खास पेशकश। कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी है और उसकी बड़ी बातें क्या है आज तक ने लगातार सबसे पहले अपने दर्शकों के सामने वो बातें रखी। लेकिन इन सबके बीच आपको बताते चले, हिंदू पक्ष ने इसी मामले से जुड़े हुए एक पक्ष में अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट में रखते हुए एक दिन की मोहलत मांगी। कल दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में इसी मुस्लिम पक्ष की बातों को लेकर वहां पर सुनवाई होनी है। जबकि दूसरे पक्ष की बात करें तो वाराणसी में अब सोमवार तक के लिए पूरे मामले को टाल दिया गया और सोमवार को ही जो एप्लीकेशन यहां पर दायर की गई थी अलग अलग पक्षों की ओर से उस पर होगी बड़ी सुनवाई। दिल्ली से काशी तक ज्ञानव्यापी पर जारी कानूनी जंग एक दिन के लिए थम गई है। सुनवाई रोकने का फरमान सुप्रीम कोर्ट से आया और वाराणसी तक कोर्ट की कार्रवाई थम गई। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में मोहलत मांगी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वहीं हिंदू पक्ष की अपील पर ही उसने वाराणसी में जारी कार्यवाही पर भी रोक लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट में कल आगे की सुनवाई होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का वक्त मांगा तो मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने सुनवाई में देरी का तुरंत विरोध किया। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनके वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन अस्पताल में हैं। मुस्लिम पक्ष ने कहा वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है जहां वजू खाने की दीवार तोड़ने की याचिका पर सुनवाई हो रही है। मुस्लिम पक्ष ने कहा ऐसे ही कई मामले देश के कई हिस्सों में चल रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा उन्हें खराब सेहत के आधार पर सुनवाई स्थगित किए जाने से ऐतराज नहीं है लेकिन हलफनामा दिया जाना चाहिए कि श्रद्धालुओं की याचिका पर सिविल कोर्ट की सुनवाई आगे न बढ़े। इसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु जैन ने कोर्ट को आश्वस्त किया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि शुक्रवार तक वाराणसी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। अब सर्वे की जो रिपोर्ट आई है विशाल सिंह साहब की उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद उसको डिसाइड करेंगे कि वो कोर्ट के सामने आने के लिए कल 3 बजे तक। कल देखिए सुप्रीम ऐसा नहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट साथ में प्रोसीड करे। इसीलिए इन ऑल फेयरनेस मैंने सुप्रीम कोर्ट सामने अंडरटेकिंग दी थी कि ट्रायल कोर्ट में जो हमारे वकील हैं वो कल तक के लिए इस मामले की सुनवाई में प्रोसीड नहीं करेंगे, प्रेस नहीं करेंगे और कल जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो जाएगी और फैसला आ जाएगा उसके बाद ट्रायल कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा। इससे पहले 17 मई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी प्रशासन को निर्देश दिया था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में वजूखाने पर जहां शिवलिंग का दावा है वहां सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, वजूखाना सील किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नमाज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। फिलहाल ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। सर्वे से जुड़ी 2 रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। ज्ञानव्यापी के अलावा मथुरा ईदगाह मस्जिद को लेकर सिविल कोर्ट में याचिका मंजूर की जा चुकी है। देश के कई और मस्जिदों को लेकर इस तरह के दावे सामने आ चुके हैं। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का ज्ञानव्यापी जैसे तमाम मामलों के लिए बेहद अहम है। अनिशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। दोनों ही पक्षों की ओर से तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं, जो रिपोर्ट है वो भी पेश कर दी गई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब कोर्ट के भीतर आगे बढ़ा जा रहा था उसी दौरान मैंने दोनों ही पक्षों के कानूनी मामलों के जानकारों से वकीलों से बातचीत की है। उन लोगों की ओर से आगे की प्रक्रिया को लेकर क्या दी गई है जानकारी सुनिए। इस वक्त मेरे साथ पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के वकील हैं। जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं, अपनी अपनी राय जो लगातार सार्वजनिक कर रहे हैं। अब तो सोमवार तक के लिए सुनवाई टल गई तो फिर आगे क्या होगा? अब जब मेरा नाम विवेक शंकर तिवारी, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन है, चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 17 तारीख को एक आदेश पारित किया है और आज भी आदेश पारित किया है कि नहीं सोमवार तक के लिए सुनवाई को टाल दिया जाए,
तो आज कमिश्नर की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट माननीय न्यायालय के पटल पर आई है। प्रतिवादी गण जो है उन्होंने अपनी आपत्ति जो याचिकाकर्ता ने दिया है प्रार्थना पत्र की नंदी महाराज के सामने की जो दीवार है उस दरवाजा उसके अंदर उसको तोड़ा जाए, उस पर उन्होंने आपत्ति दाखिल की है। तो फर्दर प्रोसीडिंग ऑफ द केस जो सूट पेंडिंग है बिफोर द सिविल जज वाराणसी उसको स्टे कर दिया गया है। और शिवलिंग को लेकर बड़े सारे सवाल है, उस पर कोई जानकारी सामने नहीं आ पा रही है रिपोर्ट। देखिये, जो 17 तारीख का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पारित किया गया है उसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जैसा कहा गया है कि शिवलिंग मिला उसको संरक्षित करने का आदेश उसी आदेश में है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ही है। तो वहां सर्वोच्च न्यायालय ने किसी वजू खाने का उल्लेख ही नहीं किया अपने आदेश में, केवल शिवलिंग का उल्लेख किया है। विरोध के भी लोग हमारे साथ हैं सर, वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस बारे में जिक्र कर दिया है अपना। देखिए, सगीर अहमद, दीवानी न्यायालय वाराणसी। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, मुस्लिम पक्ष या हिंदू पक्ष, जो लीगल एस्पेक्ट है, जो कमीशन की कार्रवाई, वही बिल्कुल पूर्णतः इलीगल है, वही पूरी तरह से गलत तरह से इलीगल है। फला तारीख को कमीशन की कार्रवाई हेतु आदेश पारित होता है, 17/5 तक कहा जाता है कि न्यायालय में रिपोर्ट सबमिट किया जाए। 17/5 के पहले 16/5 को ही एक तन्हा व्यक्ति एप्लीकेशन देता है कि वहाँ पर शिवलिंग जो है वजू खाने के कैंपस में जिसको हौज कहा जाता है उसमें मिला, और ऐसी स्थिति में तो बोल रहे हैं ना वो शिवलिंग ही है। देयर इज नथिंग एविडेंस, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एविडेंस अकॉर्डिंग टू लॉ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में आ गया, प्रथम दृष्टया सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये पाया कि नहीं शिवलिंग है, तो किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एकदम डायरेक्टली बोल दिया जाए? उस ऑर्डर को आप देखिए, 17 तारीख के आदेश में आप कहें तो मैं अभी खोल करके आपको दिखा दूं कि शिवलिंग को संरक्षित करने का आदेश पारित किया और जो नमाज की परंपरा पहले से चल रही थी नमाज पढ़ा जाए। शिवलिंग जैसी आकृति है इसी बात बारे में तो उसको रहा हूँ कि जब कमिश्नर रिपोर्ट आई नहीं तो कैसे माना गया कि वह सही है या गलत है? कमीशन रिपोर्ट नहीं आया, आप भी मुस्लिम पक्ष। जी जी, मेरा नाम शादाब अहमद है। जैसे हमारे गुरुजी बोल रहे हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि वो शिवलिंग है, वो इस आधार पे वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए वो प्रिजर्व किया कि वो एक एविडेंस हो सकता है, इस बिना पे बंद किया ना कि उसको बोल दिया कि वो शिवलिंग है। और अभी भी प्रॉपर वहाँ पे वर्कशिप चालू है, प्रॉपर प्रेयर चालू है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है हिस्से को तो सील कर दिया गया है, हिस्से को शक के बिना पे वो एज ए एविडेंस है तो उसको प्रिजर्व कर दिया जाया गया है कि उसकी कोई छेड़छाड़ ना हो सके। और रहा मसला शिवलिंग का, तो वो शिवलिंग नहीं, वो एज अ फाउंटेन है, फाउंटेन है। आप लोग लगातार माहौल बनाए जा रहे हैं सर, आप अपना भी परिचय दीजिए, फव्वारे को बता रहे हैं शिवलिंग है। धीरेन्द्र नाथ शर्मा, अध्यक्ष दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी। शिवलिंग है कि फव्वारा है? देखिए, ये अभी तय नहीं हुआ है। ये लोग कह रहे हैं कि एक पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, एक पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है। अब शिवलिंग है या फव्वारा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको जो है उसको सीज कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वो संरक्षित रहे, उसमें उसको कोई क्षति और किसी प्रकार की उसमें छेड़छाड़ न हो, इस उद्देश्य से उन्होंने ऐसा किया है। पहुंचे इस वजह से आप इधर, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ, ये लोग कह रहे हैं फव्वारे को शिवलिंग बता दिया जाए। हमारा ये कहना है कि इतिहास में भी देख लीजिए कि जब भी मुगल आए हैं तो हमारे मंदिरों को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाए हैं, तो उसी ज्ञानवापी मस्जिद भी उसी का एक हिस्सा है। तो आप इतिहास को भी उठा के देखेंगी तो जो सुप्रीम कोर्ट भी साक्ष्य और सबूत के ही आधार पे कुछ भी बोलेगा, कोई भी कोर्ट, चाहे हम हो चाहे कोई भी धर्म का लोग हो, के आधार पर ही तो जांच चल रही है। आप लोगों को पहली बात हम ये बोलना चाहेंगे कि आप जो बोल रहे हैं कि जो है वहाँ पे शिवलिंग है और वहाँ पे वो है, तो ऐसी हम आपको बता दें कि वो शिवलिंग ये पुराने जमाने में फव्वारे नहीं होते, ऐसा नहीं है। आगरा के ताजमहल में भी आप देख लीजिएगा, वो टेक्नोलॉजी से ऐसा वैसा फव्वारा कहाँ दिखता है? वैसा फव्वारा है, वैसा फव्वारा आज भी मौजूद है और शिवलिंग में छेद नहीं होता है। और रही बात, कहा जा रहा है कि शिवलिंग में छेद किया गया है, आपने आप सीमेंट का लेप, आप वो सब बोलने की बात है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन एक बात ये बताइए, फाउंटेन को चलाने के लिए 400 साल पहले कहाँ बिजली थी? फव्वारा जमीन के नीचे कहाँ रहता है? फव्वारा जमीन के ऊपर रहता है, फव्वारा तो जमीन के ऊपर रहता है। आप वीडियो रिकॉर्डिंग पे रिलाय करेंगे, कमीशन की रिपोर्ट पे रिलाय करेंगे? पहले आपसे ये पूछा जाए, वीडियो वो तोड़ मड़ो के पेश किया जा सकता है? लेकिन बताया जा रहा है पुराना वीडियो है, लेकिन उसी जैसा ही है, वैसा ही है, वैसा ही है, जो लोग देख कर आए बोल रहे हैं वैसा ही। यथास्थिति पे आप कमीशन की रिपोर्ट पे रिलाय करेंगे? कमीशन की रिपोर्ट मौजूदा स्थिति में आप कमीशन की रिपोर्ट पे रिलाय करेंगे? तो कह रहे हैं शेषनाग के अवशेष है, खंडित मूर्तियां है वहाँ पर, स्वास्तिक के नीचे से देखो तो गुंबद में जो नीचे से मंदिर के चिन्ह।
इस्लाम मजहब में मस्जिद जो है किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई जा सकती, यहाँ तक कि वहाँ नमाज भी नहीं होगी। मस्जिद हमेशा सॉलिड जमीन में बनाई जाती है, ना कि कोई मंदिर। मंदिर के निशान कहाँ से मिल रहे? मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, वो अलग चीज है, उसको कोई रख दिया गया, पेश किया जा रहा है, कोई रख दिया वहाँ पे, वहाँ नहीं नहीं वहाँ पे तोड़ गए मंदिर। ये लोग अयोध्या में भी कह रहे थे कि रामलला विराजमान नहीं है बाबरी मस्जिद के नीचे, लेकिन पाया क्या गया? सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किसके पक्ष में दिया? हिंदू समाज के पक्ष में दिया। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। मैडम एक ही बता दें, ये देखिए सियासत की बातें होने लगी। जहाँ तक लीगल बात है, 1990 में जो ये एक्ट पास हुआ कि वर्सी पैक कि 1947 तक जो धर्मस्थल जिस रूप में हो उसमें कोई रद्दो बदल न किया जाए, अन्यथा उसका जो उसका करेक्टर चेंज हो जाएगा। वो एग्जेम्प्टेड है, प्राचीन तो हमारे धार्मिक धरोहर हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, उस पर ये वर्सी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 अप्लाई नहीं कर, यहाँ पर लागू नहीं लागू होगा। कैसे कैसे? इसलिए आदि विश्वेश्वर का एक मूल मुकदमा यहाँ चल रहा है, जो माने अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही है। करके के अलावा श्रृंगार गौरी केस के, इस केस के अलावा एक आदि विश्वेश्वर का मुकदमा चल रहा है अंजुमन इंतजाम। नहीं, एक बार फिर से बताइए, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप कह रहे हैं इस मस्जिद पर वो लागू नहीं होता है? कैसे? मैं बता रहा हूँ कि इसी के पहले से एक मुकदमा विचाराधीन है, काफी पुराना, आदि विश्वेश्वर का, स्वयंभू का। उस मुकदमे में इन लोगों ने यह आपत्ति उठाई थी कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 से ये बार करता है सूट। उस समय के जो तत्कालीन सिविल जज थे आरएन मिश्रा साहब ने एक विस्तृत आदेश पारित किया, उन्होंने कहा कि नहीं, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस पर लागू नहीं होता, ये अति प्राचीन जो है धरोहर है, इमारत है, धार्मिक स्थल है, वहाँ मंदिर के अवशेष ज्यादा हैं, केवल एक ढांचा ये लोग बना के रखे हुए हैं। मंदिर के अवशेष ज्यादा है, खाली टोपी पहने। यह सिर्फ बाबरी केस के अलावा कहीं नहीं, बाबरी केस के आर्डर में इस बात को डिफाइन कर दिया गया है, बाकी हर जगह स्वास्तिक का निशान मिला, कमल का निशान मिला है, माँ गौरी का मूर्ति मिला। एक लोगों ने रिपोर्ट दे दी तो उसी के आधार पर उसी को सच मान लिया जाए, 100% मिला हो, हर चीज मूर्ति का मिला, हर चीज मिल रही है। मैडम बस इतना ही कहना चाहूंगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये आप देख रहे हैं लगातार कि आपके अगेंस्ट सारे एविडेंसेस हैं, आप बस ढीठ बन के कि हमारा है, हमारा है, हमारा है चिल्लाए जा रहे हैं। मुझे बता दीजिए, उस समय जब फाउंटेन बना था कौन सी बिजली की व्यवस्था थी जिससे आप फाउंटेन चला लेते थे? कोई उत्तर। ज्ञानवापी विवाद मामला इतना जल्द खत्म होने का नाम नहीं लेगा, कम से कम दोनों पक्षों के रुख को देखकर यही लगता है, लेकिन कोर्ट के भीतर सभी की निगाह है। कल जब सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसकी हरेक जानकारी, हरेक खबर आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। वाराणसी के नमो घाट से अभी के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।